सो आपको याद होगा आज से 1 महीने पहले मैंने वीडियो डाली थी जिसमें कहा था अगर पेटीएम पोस्ट पेड का लोन नहीं भरा तो इस तरीके से भरो जिससे जितना लोगे उतना ही सिर्फ देना पड़ेगा। लाइक आपने अगर 4,000 का लिया था तो आपका वो बढ़कर 12-13,000 हो चुका है, लेकिन मैंने एक ट्रिक शेयर की थी जिसको फॉलो करके आप सिर्फ 4,000 ही दे सकते, ठीक है। तो मैंने उस वीडियो में लाइव पे कर दिया था, लेकिन उसके बाद मेरे को उस वीडियो में बताया गया था, मतलब कि कॉल पर बताया गया था कि 10 से 15 दिन में जो भी पेंडिंग अमाउंट है वो क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे कुछ दिन बीतते हैं मेरे को कॉल पे कॉल आने लगते हैं जिस पे यही बताया जाता कि आपको ना वो फीस ऐसी पे करनी पड़ेगी। मैंने कहा कि मेरे को तो कोई ऐसी चीज़ बताई नहीं गई थी कि फीस पे करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और ऊपर से आपके कस्टमर केयर ने बताया गया था कि आपका इतने दिन में जो भी अमाउंट है वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो भी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। सो भी बताता हूँ क्या करना है, अगर आपको भी सेम ऐसी दिक्कत फेस करनी पड़े या आपको पड़ रही है, ठीक है, तो ध्यान से देखते रहना। सो इसके लिए आपको सिंपली ट्विटर पर आ जाना, उधर आपको पहले टैग करना है पेटीएम बैंक केयर, ये लिख के इसके बाद मतलब आपको एक ट्वीट करना है, ट्वीट में लिखना है ILDD पे योर पोस्ट पेड बिल वो जितना भी अमाउंट, ठीक है। फिर और आगे लिखना है इन वेवर, ठीक है, मतलब अपने वेवर में अगर ये होगा तो वेवर लिखना, अगर आपने कोई और में किया होगा तो वो लिख देना, ठीक है। मतलब मैंने अपनी वीडियो में बेसिकली वेवर का दिखाया था तो मैं वेवर का ही बता सकता हूँ। फिर इसके बाद मैंने अपनी वीडियो का लिंक डाल दिया कि मेरा ये प्रूफ है कि मैंने लाइव कॉल पे बात की, तो मैंने उसकी वीडियो भी बना ली थी। इसके बाद मैंने लिखा सी वीडियो बट यूर CS अगेन कॉलिंग मी एंड सेड नीड पे फी बट इन कॉल दे नोट प्रोवाइड एनी इन्फो रिगार्डिंग फी और एनीथिंग, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब समझा देता हूँ कि मेरे को जब भी पेमेंट की थी तब उन्होंने कहा था कि आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अभी मेरे को कह रहे हैं कि आपको पे करना पड़ेगा, इस टाइप से बोला, ठीक है। मतलब ऐसा आपको ट्वीट करना है, ट्वीट के नीचे आप स्क्रीनशॉट भी अपना डाल सकते हो, ठीक है। जैसा कि मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला, स्क्रीनशॉट मैंने कौन सा डाला है, वो स्क्रीनशॉट डाला है जब मैं पेमेंट कर रहा था तब उन्होंने मेरे को एक मेल करवाई थी, मेल भेजी थी जहाँ पर सब लिखा गया था कि आप अगर इतना पे करते हो उसके बाद आपको कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ट्वीट कर देना, ट्वीट जैसे करोगे पेटीएम का आपको रिप्लाई आएगा, मतलब कमेंट में ही कि आप अपना नंबर हमको DM में शेयर करो, इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो आपको नंबर अपना DM में शेयर कर देना है। अगर आपका जो भी पेंडिंग अमाउंट है वो भी क्लियर नहीं हो रहा, मतलब आपने वेवर पे उतना पे कर दिया है लेकिन जो बाद वाला है 10-15 दिन हो गए वो क्लियर नहीं हुआ, तो आपको उस केस में भी आपको यही सेम प्रोसेस करना है, 100% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो मैंने 1 से 2 दिन पहले ही ट्वीट किया था इधर, मतलब पेटीएम को टैग करके, टैग करने के बाद उन्होंने मेरे को नंबर मांगा था, आज मैंने नंबर प्रोवाइड किया। प्रोवाइड करते ही मेरे को कुछ घंटे बाद कॉल आ गया उनकी कस्टमर केयर की तरफ से कि आप अपना वो सब बता दीजिए। मैंने उनको सब बताया, उन्होंने बोला कि मतलब किस नंबर से आपको कॉल आई थी जब आप पेमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने उनको वो नंबर भी दिया जिसको मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था पेमेंट करके, एंड अभी जो भी मेरा वो दूसरा अमाउंट दिखा रहा था पे करने के लिए वो सब अब नहीं दिखा रहा है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, ये जानकारी देनी इंपॉर्टेंट थी इसलिए आपको दे रहा हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, लाइक कर देना वीडियो।